हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे गुजरात ट्रिप के थर्ड वीडियो में। ये मेरा द्वारका में दूसरा दिन है। मैं आया हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मैंने कैब की सर्विस ली थी, 1500 रुपये मुझसे कैब वाले ने लिए थे, जिसमें उसने मुझे गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भेट द्वारका और रुक्मिणी टेम्पल दिखाना था। जब मैं यहाँ पर पहुँचा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन 100 से 120 लोग करीब रहे होंगे। ये जो क्यू है, ये क्यू आगे शिवलिंग तक ऐसे ही जाती है। वॉल के साथ साथ इन्होंने रेलिंग लगाई हुई है, जिसके अंदर आप जो है शिवलिंग तक जाते हैं इसी क्यू में। पूजा का सारा सामान जो है आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाता है, इन्होंने अंदर स्टॉल लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका मतलब होता है नागों का भगवान। यहाँ पे चांदी का नागों का जोड़ा चढ़ाने की मान्यता है, कहते हैं वो चढ़ाने से आपको सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। मैंने भी यहाँ से थाली ली थी, जिसका चार्ज था 150 रुपये, लेकिन लेट होने की वजह से मैं यहाँ पे अराउंड 4 बजे के करीब पहुँचा था, और मुझे भेट द्वारका कैसे भी करके 5 बजे पहुँचना था, क्योंकि 5 बजे जो बोट्स हैं जो भेट द्वारका लेकर के जाती हैं, उनकी सर्विस बंद हो जाती है। तो मेरे ड्राइवर ने बोल दिया था मुझे कि आप ज़्यादा अंदर टाइम मत लगाइएगा, क्यू की वजह से वैसे ही मैं बहुत लेट हो गया था। तो मैंने अपनी थाली पंडित जी को दे दी थी चढ़ाने के लिए। आप जब यहाँ पर आएँ तो सफिशिएंट टाइम निकाल करके आएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं रश नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्यू है, लाइन से चल रही है, आराम से दर्शन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद आप बाहर से आकर के, जहाँ से मैंने ये वीडियो बनाया है, और काफ़ी देर तक आप खड़े होकर वहाँ पर महादेव के शिवलिंग ज्योतिर्लिंग जो है उसके दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब के पीछे एक कहानी है, कि कहते हैं कि जो गोपियां थीं यहां पे द्वारका श्री कृष्ण जी से मिलने आई थी रासलीला के लिए, और इसी स्थान पे उन्होंने शरद पूर्णिमा वाले दिन मोक्ष प्राप्त किया था। जितनी भी गोपियां थीं वो सभी एक येलो सैंड में तब्दील हो गई थीं, जिसको हम आज गोपी चंदन के नाम से जानते हैं। गोपी चंदन यहाँ पर काफ़ी मिलता है। जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हैं, कहते हैं ये राम सेतु का पत्थर है, जो कि ये पानी में अभी आप देख सकते हैं कि फ्लोट कर रहा है ऊपर और डूब नहीं रहा है। ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये गोपी चंदन बिक रहा है यहाँ पर। काफ़ी सारा गोपी चंदन यहाँ पे अवेलेबल था कई सारी शॉप्स पे। ये जो रास्ता है सीधा गोपी तालाब के लिए जाता है। मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो मैंने जो यहाँ पर व्यवस्था देखी, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि गवर्नमेंट को ये जो टूरिस्ट स्पॉट हैं डेवलप अच्छे से करने चाहिए। गुजरात के बारे में हमने वैसे ही सुना है कि बहुत डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ, पानी जो था काई की वजह से ग्रीन हो चुका था, बहुत सारी चीज़ें पानी पे फ्लोट कर रही थी। शायद रखरखाव का ही मैं बोलूँगा कि अभाव था, और मैं गवर्नमेंट से ये
रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पे रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यही वो गोपी तालाब है जहाँ पे गोपियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं भेट द्वारका। कैब ने मुझे भारी उतार दिया था और जो ये आगे का पैसेज है जहां से बोट भेट द्वारका के लिए जाती है वहां तक के लिए आपको पैदल ही चल के जाना होता है। बहुत बड़ा पैसेज नहीं है ये। 20 रुपीज़ बोट वाला चार्ज करता है पर पर्सन और बोट शेयरिंग में चलती है। लकीली मुझे एक बोट किसी फैमिली के साथ शेयर करने को मिल गई थी और बोट वाले ने मुझसे नेगोशिएट करके 500 रुपये लिए थे जबकि दूसरी फैमिली से उसने 3100 रुपीज़ चार्ज किए थे। और ये 500 रुपये सिर्फ भेट द्वारका जाने के लिए था, आने का फेयर अलग था, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। मेरी आपको ये एडवाइस है जब कभी भी आप भेट द्वारका आएँ तो 5 बजे से पहले आप पहुंच जाएं किसी भी हालत में। मैं कहूंगा 4:30 तक आप यहां पे ज़रूर पहुंच जाएं क्योंकि 10 से 15 मिनट तो आपको बोट में जगह बनाने के लिए ही लग जाएंगे। जैसे आप दूसरी बोट देख सकते हैं कि कितनी भरी हुई है, वो भी रश बहुत हो जाता है 5 बजे के आसपास क्योंकि सबको पता होता है कि थोड़ी ही देर में बोट की सर्विसेज बंद हो जाएंगी तो लोग जल्द से जल्द बोट में चढ़ना चाहते हैं। तो इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आप हमेशा यहाँ पे 4:30 या उससे पहले पहले पहुँच जाएं। बोट 15 से 17 मिनट लेती है भेट द्वारका तक पहुँचाने में। ये जो पूरा रास्ता है इसमें आपको दूर दूर तक समुद्र दिखाई देगा और अभी जो आप अभी मेरे सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नया ब्रिज है जो कि मेनलैंड से भेट द्वारका के आइलैंड तक बन रहा है। 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और अगले 2 से 3 सालों में बनके तैयार हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद बोट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जितनी भी गाड़ियां बसेस हैं जो कि भेट द्वारका जाना चाहते हैं वो मेनलैंड से सीधा इस ब्रिज के थ्रू भेट द्वारका से कनेक्ट हो पाएंगे। बट मेरी नज़र में जो मज़ा आपको बोट के थ्रू जा कर के आएगा वो आपको कार या बस से ब्रिज के ऊपर से जाके नहीं आएगा। लेकिन हाँ कन्वीनियंस हो जाएगी, रास्ते का जो टाइमिंग है वो छोटा हो जाएगा और शायद यहाँ पे शाम को 6 बजे या 7 बजे तक भी अलाउ कर दिया जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ्रेंड्स जब आप बोट से उतरते हैं तो ये पैसेज से आपको भेट द्वारका के टेंपल तक पैदल जाना होता है। यहाँ से ये ठेला गाड़ियाँ भी चलती हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं जिनको चलने में प्रॉब्लम है तो आप इनकी सर्विस ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज हैं। 100 रुपीज़ इन्होंने मुझसे चार्ज किए थे जिसमें से कि ये मेरे पेरेंट्स को मंदिर तक लेकर के गए थे और मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद वापस भी इन्होंने ही छोड़ा था। आगे का रास्ता थोड़ा सा स्लोप है तो हो सकता है कि जिनको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम आए। हालांकि रास्ता बहुत लंबा नहीं है, बोट से उतरने के बाद हार्डली 10 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर तक का। जब आप टेंपल पहुंच जाते हैं तो आपको अपना मोबाइल और शूज़ बाहर ही जमा कराने होते हैं। मोबाइल के लिए उन्होंने यहाँ पे एक काउंटर बनाया हुआ है जहाँ आपको मोबाइल जमा कराने के बाद टोकन मिल जाता है। भेट द्वारका जो है एक टापू पे बसा हुआ है, टाइम टू टाइम यहाँ पे लोग आते गए और बसते गए, आज ये घनी आबादी वाला एरिया बन चुका है। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोगों का काम है मछली पकड़ना या बोट्स के जरिए श्रद्धालुओं को मेनलैंड से इस भेट द्वारका के टापू तक लेकर के आना है। 70% से ज़्यादा लोग तो इसी बोट्स के काम में ही हैं जिसमें ये बोट के जरिए समुद्र में जाके मछली पकड़ते हैं या श्रद्धालुओं को वहाँ से जो मेनलैंड है वहाँ से यहाँ टापू तक लेकर के आते हैं। रास्ते में जितनी भी शॉप्स थी सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं जो किराने की या जो टूरिस्ट आते हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मार्केट नहीं है और ना ही एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोट से उतरने के बाद लोग ठेला गाड़ियों के ज़रिए ही मंदिर तक जाते हैं।
ये जो अभी आप देख रहे हैं यही मंदिर का जो एंट्रेंस है वो है। फ्रेंड्स जैसा कि मोबाइल भारी जमा हो गया था तो मैं अंदर की वीडियोग्राफी तो नहीं कर पाया, लेकिन अंदर जो मैंने अभी गेट थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वहाँ से ऊपर जाने के बाद कृष्ण जी और उनकी रानियों के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे चावल का प्रसाद चढ़ता है और इस जगह का नाम भेंट द्वारका भी इसलिए पड़ा क्योंकि सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे तो उनको भेंट में देने के लिए कुछ चावल लेकर के आए थे, इसीलिए इस जगह का नाम भेंट द्वारका पड़ा और मंदिर में चावल का प्रसाद मिलता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये रास्ते में मार्केट लगी हुई थी और यहाँ पे कई सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे प्रीशियस स्टोन थे, शंख थे, खाने पीने का सामान के स्टॉल भी लगे हुए हैं। यहाँ पर भेंट द्वारका के आसपास जो है मुस्लिम आबादी है और जो बोट्स भी हैं ये हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा ही ऑपरेट की जा रही हैं। वापसी आते हुए मुझे तकरीबन 6:15 या 6:30 का समय हो गया था। जो लोग भेंट द्वारका आ जाते हैं उनके लिए बोट की सर्विसेज रात तक चालू रहती हैं तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप भेंट द्वारका आते हो मेनलैंड से तो वो बोट की सर्विसेज सिर्फ 5 बजे तक ही अवेलेबल हैं। जाते समय मैंने 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से शेयरिंग में बोट ली थी, वो बोट काफ़ी बड़ी होती है और तकरीबन उसमें 150 के आसपास 100 से 150 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं उसमें। आते हुए मैंने छोटी बोट मुझे मिली थी जिसमें मैंने 500 रुपये दिए थे 4 लोगों के। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं सनसेट का टाइम था और बहुत अच्छा लग रहा था। अब बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और एंजॉय कीजिए वीडियो को, इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारी दे चुका हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे इनक्रेजमेंट मिलेगा और भी आगे इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने की। मैं ट्रिप तो काफ़ी सारे किए हैं लेकिन गुजरात ट्रिप का वीडियो मेरे मन में इसलिए आया बनाने का क्योंकि जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे मुझे बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसीलिए मैंने सोचा था कि जब मैं जाऊँगा और बहुत ज़्यादा वीडियो अवेलेबल भी नहीं है गुजरात ट्रिप के, तो इसी वजह से मैंने कोशिश की है डिटेल्ड एक वीडियो बनाने की। हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी लगे लेकिन कई लोगों को ये सपोर्ट भी ज़रूर करेगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए आगे वीडियो में, आपको समुद्र के अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, इन्जॉय कीजिए मोमेंट्स को। फ्रेंड्स तो अब हम पहुंच चुके हैं रुक्मणी मंदिर, ये मेरी यात्रा का आज की यात्रा का ये लास्ट स्टॉपेज था। मंदिर के पीछे जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। दुर्वासा जी को कृष्ण जी ने जब द्वारका आने के लिए आमंत्रित किया था तब दुर्वासा जी ने कृष्ण जी को बोला कि अगर तुम वो रुक्मणी मेरे रथ को खींच करके ले चलो
तो मैं तुम्हारे लिए द्वारका आ सकता हूँ। रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लगती है, जब वो रथ को खींच रही होती है थकने के कारण, वो कृष्ण जी से कहती है मुझे प्यास लग रही है, पानी चाहिए। तो कृष्ण जी उनको पानी दे देते हैं। इस पर दुर्वासा जी कुपित हो जाते हैं कि उनको बिना पानी दिए और बिना पूछे वो कैसे रुक्मणी जी को पानी दे सकते हैं, और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें अपने पति से 12 साल अलग रहना होगा। और वो 12 साल तक यहाँ पर अलग रहीं। उन्होंने ये भी श्राप दिया कि यहाँ का जल खारा हो जाए, इसलिए यहाँ द्वारका में अधिकतर जगह खारा पानी ही मिलता है। पंडित जी जो मंदिर में हैं, वो जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं मीठा पानी दान में देने के लिए। तो 200 रुपये की पर्ची यहाँ पे कटती है, जिसके एक्सचेंज में आप यहाँ पे मीठा पानी दान में दे सकते हैं। जो जो श्रद्धालु मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं उन सबको मीठा पानी पीने के लिए दिया जाता है। आप मंदिर को आप देख सकते हैं कि मंदिर को देखने से ही पता लगता है कि ये कितना पुराना मंदिर होगा। मंदिर बहुत ही थोड़ा सा सिटी से बाहर बना हुआ है। जैसी स्टोरी है वैसे पता भी लगता है कि जब उन्होंने तपस्या की होगी तो ये आसपास का सारा इलाका जंगल रहा होगा। आप देख सकते हैं गुप्त अंधेरा है, आसपास कुछ भी नहीं था। मंदिर बना हुआ है, पार्किंग है, और जो है आपको लाइटें आगे दिख रही हैं, आगे जाके जहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर है ये वहाँ की लाइट है, जहाँ आगे जाके सिटी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में विदा लेने का वक्त आ गया है। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो मैंने शिवराजपुर बीच के लिए बनाया है। टाइम कम होने की वजह से आज मैं शिवराजपुर बीच नहीं जा पाया, हालांकि वो भी मेरे साइट सीइंग में एडिट था, जो 1500 रुपये मैंने कैब वाले को दिए थे। 3:30 पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं सारे प्लेस कवर नहीं कर पाया सेम डे। और शिवराजपुर बीच बहुत ही बेहतरीन बीच है, मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।